सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे संजीवनी क्लिनिक कांचमेल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी भी मौजूद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मरीजों और डॉक्टरों से की बातचीत। सुरक्षित वापस आए, लेके आए रोमानिया और मोल्डोवा से करीब 8,000 बच्चों को, हंगरी से करीब 6,500 बच्चों को, स्लोवेकिया से करीब 2,000 बच्चों को और पोलैंड से करीब 1,500 बच्चों को। कुल मिलाकर 18,000 बच्चे सुरक्षित वापस घर पहुँचे। केवल सुमी क्षेत्र में हमारे 700 बच्चे अटके हुए थे, उनको भी कल हमने इवैक्यूएट किया है और आज के फ्लाइट से वो भी सुरक्षित भारत आएंगे। ये शायद पहली बार इतनी फूर्ती और इतनी मुस्तैदी से भारत सरकार ने पहली बार इतने जल्दी सभी हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस लाया है एक युद्ध के वातावरण से, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये संभव हो पाया। सर,